पांच देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर नजर। 9 दिसंबर 2022 अरुणाचल प्रदेश के तवांग का यांगेस्ट एलएसी पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर भारत में घुसने की कोशिश की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा पेश करता रहा है। चीन ने पिछले साल ही अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बदल दिए थे, यानी चीन के जमीन हथियाने की नीति का अगला फोकस भारत है। रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 43% जमीन दूसरों से हड़पी हुई है। 1911 में चीन में कोमिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहां गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कोमिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कोमिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। 11 मार्च 2020 को लोकसभा में दिए जवाब में उस वक्त के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने बताया था कि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। अभी जितनी भारत हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। 1949 में कम्युनिटी सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से ही घिरा है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। आज से कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समुद्र में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहां एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया, फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी, और फिर देखते ही देखते चीन ने यहां आर्टिफिशियल द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद चीन ने इस पर अपना हक जता दिया।